नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त अयोध्या से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है और कई मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक करेंगे। यहाँ पर बड़ी बात आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं नेताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। फार्मेसी कॉलेज में राम दरबार का अनावरण भी करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा के करमडांडा गांव में अनावरण कार्यक्रम है और इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं नेताओं को जीत का मंत्र देंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इस सीट पर जीत हासिल करनी है और एक बड़ा संदेश देना है। फार्मेसी कॉलेज में राम दरबार का अनावरण करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर विधानसभा के करमडांडा गांव में अनावरण कार्यक्रम है और इस अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि देखिए कभी भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट को जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है और अब ऐसे में इस जीत की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले रखी है और यही एक वजह है कि आप देख रहे होंगे कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा भी कर रहे हैं। बीते दिनों भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे और वहां पर जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आए थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए थे और आज फिर उनका अयोध्या का दौरा ये दिखाता है कि बीजेपी के लिए अयोध्या पहले भी प्राथमिकता थी और अभी भी प्राथमिकता में शुमार है। चाहे रिजल्ट किसी भी प्रकार के आए हो, परिणाम किसी भी प्रकार के आए हो, बीजेपी के लिए अयोध्या जो है हमेशा से ही पहली प्राथमिकता रही है और इसी बात से इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बीते दिनों भी वो अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे और आज फिर अयोध्या के दौरे पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार मिल्कीपुर सीट को कैसे जीतना है, क्योंकि अवधेश प्रसाद यहां से विधायक थे क्योंकि अब वो सांसद बन चुके हैं फैजाबाद सीट से, तो ऐसे में ये सीट खाली हुई है और क्योंकि अयोध्या की जो फैजाबाद की सीट है वो बीजेपी लोकसभा के चुनाव में हार गई। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि सपा ने भले ही बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस किया हो लेकिन अयोध्या की सीट को लेकर लगातार बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आती। और हमारे साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। स्कंदिता, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर आएंगे, किस प्रकार से वो जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे कार्यकर्ताओं और नेताओं को? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है, वाराणसी का दौरा है, जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा जो है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और अपने जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, उनसे मिलेंगे और कहीं ना कहीं जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी ली है मिल्कीपुर सीट जिताने की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये 10 की 10 सीटें जो है विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। हालांकि कैसी करेगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कहता नजर आ रहा है कि सभी सीटें जीतनी है, वो भी लगातार पीडीए की रणनीति चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी ये 10 सीटें जीतना इतना आसान नहीं होगा। अगर मिल्कीपुर सीट की बात की जाए तो अवधेश प्रसाद जो हैं, जो अब सांसद बन चुके, उनकी सीट थी, वो विधायक थे मिल्कीपुर से और उनके सांसद बनने के बाद में वो सीट रिक्त हुई है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो चाह रहा है कि अवधेश प्रसाद के परिवार के ही किसी सदस्य को मैदान में उतारा जाए, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर
मिले। और ऐसे में अगर बीजेपी की बात की जाए या मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो लगातार जीत का मंत्र देने पहुंच रहे हैं मिल्कीपुर सीट पर और आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं। ये बताइए जरा स्कंदिता, क्योंकि देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन जरा ये भी बताइए कि किस तरह की रणनीति आप धरातल पर देख रही हैं कि बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बदली हो लोकसभा के चुनाव से सबक लेकर विधानसभा के उपचुनाव में उन चीजों को वो ना दोहराए जिससे लोकसभा में हार मिली है। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी लग रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्या समीकरण बदलने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है खासतौर से मिल्कीपुर सीट को लेकर? देखिए बीजेपी टास्क फोर्स की जो पूरी टीम है उस पूरी टीम ने हार की समीक्षा की थी मंथन करने के बाद में, अब रणनीतियों में अपना बदलाव किया है। अगर टिकट की बात की जाए तो कई सारे टिकट्स जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में रिपीट किए थे, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहेंगे इस विधानसभा उपचुनाव में। इसके अलावा अगर उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बाकियों को भी साथ लेती हुई चलती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो जोरों से उठाया था विपक्ष ने, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी काम किया है। लगभग सभी विभागों में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकालने की उन्होंने बात कही थी, उसके बाद उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने सबक लिया है अपने जो पुराने मुद्दे रहे थे उनसे। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन अयोध्या केस निकलकर सामने आया और फिर किस तरीके से उस पर जो राजनीति हमें देखने को मिली उस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, सरकार ने कार्रवाई की, योगी जी की जो कार्यवाही थी उससे कहीं ना कहीं जो है जनता में एक अच्छा कहीं ना कहीं मैसेज तो गया ही होगा। और साथ ही कहीं ना कहीं अब मिल्कीपुर सीट जीतने को लेकर या टिकट किसको दिया जाए उसको लेकर भी बीजेपी काफी ज्यादा मंथन करेगी। अगर आज के दौरे की बात की जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी वो एक बार गए हैं अयोध्या और अब फिर जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सीट उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर अयोध्या की बात की जाए तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने सबसे ज्यादा बिल्कुल इसका नेता हम भी तस्वीर लगातार देख रहे हैं कि भले परिणाम किसी भी प्रकार के लोकसभा में आए हो लेकिन अयोध्या बीजेपी की प्राथमिकताओं में पहले भी शुमार था, आज भी शुमार है। आप हमारे साथ बनी रहिए, आपके पास लौटते हैं, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि आखिरकार किस प्रकार से बीजेपी की ओर से ये स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही है। और आगे बढ़ लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी का भी दौरा है, जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आएंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा तो है ही लेकिन इसके साथ ही वाराणसी का भी दौरा है, जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन समारोह में हिस्सा लेंगे, काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वाराणसी का भी दौरा है और हमारे साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। स्कंदिता, किन मायनों में आज वाराणसी का दौरा महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जनपदों के दौरे करते रहते हैं, इसी क्रम में आज उनके ये दो दौरे हैं जहां पर वो अयोध्या जाएंगे, उसके बाद वो वाराणसी भी जाएंगे। अगर वाराणसी की बात की जाए तो जब भी योगी आदित्यनाथ जी वहां पर पहुंचते हैं तो काल भैरव के दर्शन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, वहां पर भी दर्शन करते हैं। उसके बाद जो बीजेपी के जितने भी अगर बात की जाए जो नेता हैं जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनसे भी मिलते हैं, साथ ही जो जनता है जनता के लिए हर बार कहीं ना कुछ नई सौगात देखने को मिलती है वो देने का प्रयास करते हैं। अगर वाराणसी की बात की जाए तो ना सिर्फ वो दर्शन पूजन करेंगे बल्कि एक जैन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो सम्मान समारोह है उसमें भी हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये आज कुछ ये कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, जहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे दोनों ही मंदिरों में जाकर, काल भैरव मंदिर जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और उसके बाद में जैन अंतर्राष्ट्रीय संगठन समारोह है उसमें भी उसमें हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और कहीं ना कहीं जो लगातार उनके दौरे हो रहे हैं उसको विधानसभा उपचुनाव के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। वाराणसी में हालांकि उधर चुनाव नहीं है लेकिन लगभग सभी सीटों पर वो अपना फोकस कर रहे हैं अभी से। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसकी तैयारियों में अभी से सरकार और विपक्ष दोनों ही जुटे हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए चाहे अपोजिशन की बात की जाए, दोनों ही तैयारियों में जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि इस विधानसभा उपचुनाव को 10 सीटों को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तरीके से लिया जा रहा है और आगे 27 की रणनीति
नीति जो है वो बनाते हुए बेसिकली नजर आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की। और उसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान संभाली हुई है इस बार, और जो पुरानी गलतियां हुई तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने